नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्ण का कह को आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा में। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम पाठ भारती वसंत गीति, यह पाठ सिर्फ पढ़ना है, अर्थात इससे हमें सिर्फ पढ़ना है, मगर भावार्थ जान लेना यह आवश्यक था, क्योंकि पढ़ना का अर्थ होता है कि आप उसे पढ़कर उससे संबंधित आंतरिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अतः पाठ एक हम पढ़ चुके हैं, मगर इससे आधारित कोई भी अभ्यास कार्य, पाठ एक का किसी भी तरह का कोई अभ्यास कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है, क्योंकि वह सिर्फ पठनाय है। आज हम पढ़ रहे द्वितीय पाठ स्वर्णकाक। स्वर्णकाक पाठ एक कथा है जो लालच एक बुरी बला है, या कदापि लोभम न कर्तव्यम, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, इस बात का संदेश देता है। यह महत्वपूर्ण संदेश हमें इस कहानी से मिलता है, और इसके लेखक कथाकार है श्री पद्मशास्त्री, और यह विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। विश्व कथा शतकम का मतलब होता है कि यहाँ विभिन्न देशों की 100 से अधिक लोक कथाओं का संग्रह है। शब्द को ध्यान से सुनिए, विभिन्न देशों की, अर्थात हमारे से भारत की कथाएं नहीं, विभिन्न देशों की 100 कथाओं का संग्रह इसमें है, इसलिए इस ग्रंथ को कहा गया है विश्व कथा शतकम। इसमें लोभ और लोभ का दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का वर्णन किया गया है, और यह कथा एक सुनहरे कौवे, मतलब सोने के पंखों वाला कौवा, हमने रामायण में सुना है कि सोने का हिरण, वास्तविकता में ये दोनों ही चीज़ें काल्पनिक हैं, और यह तो कथा है इसलिए यहाँ तो संभावना ही नहीं है, किंतु सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से लालच नहीं करना, कभी भी लालच का परिणाम अच्छा नहीं होता है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। तो समय अवधि के कम होने की वजह से मैं इस पाठ के एक एक शब्दों को आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाऊंगी, पैराग्राफ वाइज में पढ़कर उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ। कथा, कोई भी कथा जो है उससे दो तरह के प्रश्न आते हैं, पहला उसे पठित गद्यांश में पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न कथा घटनाक्रम यानी स्टोरी को अरेंज करना। तो निश्चित ही आपके प्रथम परीक्षा में यह कथा स्टोरी अरेंजिंग के लिए आ सकती है, और उससे संबंधित दूसरा प्रश्न आपको प्रश्न निर्माण या पठित गद्यांश के रूप में पूछा जा सकता है। आपको किसी भी तरह से किसी भी पाठ के प्रश्नों के उत्तर याद नहीं करने हैं, सिर्फ हमें अच्छी तरह से संस्कृत के पाठों का अध्ययन करना होता है, और साथ ही शब्दों के अर्थ भी समझने होते हैं, शब्दार्थ को पढ़ना होता है। पुरा कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नियावसत, तस्या चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी, एकदा माता स्थाल्या तांडुलानि क्षिप्य पुत्रीमादिदेश सूर्यतपे तांडुलांखगेभ्यो रक्ष, कश्चित् कालानन्तरम् एको विचित्र काकः समुद्य ताम उपाजेगाम। एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी, और उसकी एक बहुत ही विनम्र और मनोहर दुहिता यानी होता है पुत्री थी। एक बार स्त्री निर्धन है, वृद्ध है, यानी धन की कमी है उसके पास। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया कि धूप में यह चावल रखे हुए है, अतः तुम्हें पक्षियों से इसकी रक्षा करनी है। कश्चित् कालानन्तरम्, थोड़े ही समय बाद, एको विचित्र काका समुद्य तामोपाजगाम, एक विचित्र कौवा उड़ते हुए वहां पर आ गया। कौवा विचित्र है, कैसा विचित्र है आगे पढ़ेंगे। नाते दशी स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण का कहतया पूर्व दृष्टम, तम तांडुलान खादे तम हसंतज विलोक्य बालिका रोदतुम आरब्ध। वह ऐसा स्वर्ण पक्ष पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह कौवा चावल खाने लगा और हंसते हुए बालिका की ओर देखने लगा, तो बालिका रोदुम आरब्ध, बालिका रोने लगी। तम निवारयति सा प्रार्थयत, उसे हटाते हुए वो प्रार्थना करने लगी, तांडुलां मा भक्षय, चावल मत खाओ।
मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष का कह प्रोवाच माश च, सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा दुख मत करो। सूर्योदय प्राग ग्रामाद बहि पिपल वृक्षम अनु त्वम आगतव्यम अहम तुभ्याम तांडुल मूल्यम दास्यामि। जब सूर्योदय होने के पूर्व, सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय होने के पूर्व अर्थात रात्रि का समय नहीं, समय प्रातः काल ही है, किंतु सूर्योदय के पहले का समय गांव के बाहर स्थित पीपल के वृक्ष के पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभि। बालिका खुश हो गई कि चावलों का नुकसान हुआ किंतु उसका मूल्य मिलने वाला है और उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षोस्परि अवलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सज्जाता यत्र तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। सूर्योदय के पूर्व ही वह बालिका वहां पहुंच गई और वृक्षों के ऊपर वह देखने लगी, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि वहां पर उसने देखा कि एक सोने से बना हुआ प्रासाद का अर्थ होता है महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तथा स्वर्णकाक गवाक्षात् कथितम् अहो बाले त्वम् आगता। जब कौवा सोकर उठ गया, शयित्वा प्रबुद्धः तथा जब कौवा अपनी निद्रा के पश्चात उठा, तो उसने सोने के पंखों वाले उस सोने के पंखों वाले कौवे ने बालिका को देखते हुए कहा अरे बालिका त्वम् आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो। अहम रुको, अहम तत्के सोपानम अवतरयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कृत है, तुम बताओ स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वह कैसी सीढ़ी से तुम ऊपर आना पसंद करोगी, स्वर्णमय सोने की, रजतमय चांदी की, ताम्रमय या तांबे की। कन्या प्रोवाचत, कन्या ने कहा अहम निर्धना मातुर दुहिता अस्मि, मैं तो एक गरीब माता की लड़की हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से भी आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपान में सा स्वर्ण काकम भवनात् मासात्, लेकिन सोने की सीढ़ियों से वह उस कौवे के सोने के भवन में आती है। चिरकाल भवनम चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जाता दृष्टा सा विस्मयगता, बहुत समय तक वह भवन में विचित्र तरह की, चित्र विचित्र यानी सुंदर सुंदर किंतु अद्भुत वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है। श्रांता ताम अवलोक्य काकः प्राह, उसे इस तरह से देखकर कौवा उससे कहता है पूर्वम लघु प्राशवः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। लघु प्राशन का मतलब होता है भोजन, किंतु सुबह का अल्प भोजन नाश्ता। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यामि किं वा रजतस्थाल्यामुत ताम्रस्थाल्यां, तुम बताओ कि क्या तुम भोजन सोने की थाली में करना पसंद करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका विजहारवत स्थाल्याम रजत हार थाल्याम एव अहम निर्धनाम भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा कि हम निर्धन लोग तांबे की थाली में ही भोजन करते हैं। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब उस लड़की को आश्चर्य होता है जब वह देखती है कि सोने का कौवा सोने की थाली में उसे भोजन परोस रहा है। नैतादृशा स्वादु भोजनम अद्यामधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने पहले कभी नहीं खाया था क्योंकि लड़की जो है वह निर्धन थी। काको वृते बाले अहम इच्छामि यत्व सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परम तव माता वर्तते चौकाकिनी, मैं तो, कौवा कहता है कि बालिके मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो किंतु तुम्हारी माता जो है वह परेशान हो जाएगी, तो हम शीघ्रमेव स्वगृह गच्छ, अतः तुम जल्दी से अपने घर जाओ। इत्युक्ता काकः कक्षाभ्याम स्थितो मंजुषाम निस्सार्यम ताम प्रत्यावदत्, यह कहते हुए कौवे ने एक कक्ष में गया और वहाँ मंजुषा अर्थात चित्राभ्यास में मैंने कहा था संग्रह, उसने कुछ संग्रह वस्तुओं के संग्रह की ओर इशारा करके हुए कहा बाले यथेच्छम ग्रहाण मंजुषा में कम, यहाँ जो सामान रखा हुआ है
जो भी वह लेना चाहती है वह जितना लेना चाहते हैं उतना लो, क्योंकि कौवे ने उसे बुलाया था उसके चावल के मूल्य को देने के लिए। अतः वह उस सामान की ओर, उन वस्तुओं की ओर इशारा करता है, दिखाता है कि तुम्हें यहाँ से जितना धन चाहिए, जितनी वस्तुएं चाहिए उतना। लघुन तमा मंजुषाम गृहत्वा बालिका कथितमिदीय मदीय तांडुलाम मूल्य। बालिका ने थोड़ा सा मूल्य लिया, थोड़ा सा धन दिया और उसने कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, अतः उसने थोड़ा ही धन वहां से उठाया। ग्रहम आगत्य तथा मनशाम उद्घाटिता तस्या महाहरणानी हीरकानी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधिकानी च सज्जता। ग्रह में, घर में आकर उसने जब हाथ खोले, जिसमें उसने कुछ मुट्ठी में जो भी कुछ लेकर आई थी उसके लिए उसने जब अपने हाथ खोल के देखा तो वहाँ उसने देखा कि महंगे हीरे उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में थे और वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गाँव में एक लालची वृद्धा भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। वह ईर्ष्यालु थी और उसने ईर्ष्या से, उसे यह घटनाक्रम पता चल गया कि कोई सोने के कौवे द्वारा इस तरह की मंजुषा जो है, महंगे हीरे इन्हें प्राप्त हुए, अतः ये निर्धन वृद्धा और उसकी पुत्री धनवती हो गई। उसे इस घटना के बारे में, इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सूर्योतपे तांडुला निक्षिप्य तस्यापि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी वैसा ही पूर्ण कार्यक्रम किया। सूर्य के धूप में उसने चावल जो है वो सुखाने के लिए रखे और अपनी पुत्री से उसकी रक्षा करने के लिए कहा। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तांडुलान भक्षा तमापि तत्रैव आकर्यत। सोने के पंखों वाला कौवा वहाँ वह चावल खाने के लिए आता है। रातस्त्र गत्वा सा काका निर्भीत्स्वती प्रवाच। वह उस कौवे को बुरी तरह से डांटते हुए, भगाते हुए कहती है, भो नीच का, अहम आगता मह्यम तांडुलम मूल्यम प्रच्छामी। अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ और अब मुझे तुम अपने चावल का मूल्य दो। काको अब्रीवत, कौवे ने कहा, अहम तत्कृते सोपानम अवतरयामी। यहाँ पहली इतना, इस सेकंड पैराग्राफ को, इस सेकंड पार्ट के इस द्वितीय पोर्शन को इतना ज़्यादा नहीं विस्तृत किया गया है। बालिका सुबह उठकर सीधे कौवे के महल की ओर जाती है, उस पीपल के वृक्ष के पास, और वहाँ खड़े होकर वह चिल्लाने लगती है। इसलिए कौवा उससे सीधे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूँ। तो तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, कौन सी सीढ़ी से ऊपर आना पसंद करोगी? मेरे घर में सोने की, चांदी की या तांबे की? गर्वितया घमंड से बालिकया प्रोक्तम, बालिका ने कहा, स्वर्णमय सोपानम अहम आगमिष्यामी आगच्छामी, मैं सोने की ही सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमय सोपानम प्रायच्छत। लेकिन उस कौवे ने, सोने के पंखों वाले कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने यह कार्यत। उसी तरह से पूरी घटना वैसे ही हो रही है, किंतु यह लालची लड़की जो है वह हर समय सोने की वस्तु, सोने की सीढ़ी, सोने की थाली मांगती है और सोने के पंखों वाले कौवे द्वारा उसे तांबे की सीढ़ी और तांबे की थाली में भोजन इस तरह से दिया जाता है। प्रतिनिवृत्ति काले जाते समय स्वर्ण काक कक्षाभ्यंतरे स्थितो मंजुषा तत्पुरतम समुक्षिता। उसी तरह से जाते समय उस कौवे ने उसे कक्ष की ओर इशारा करते हुए मंजुषा दिखाते हुए कहा, लोभविष्टा सा बहुत्तमा मंजुषा ग्रहत्वती। वह लालची थी इसलिए उसने लालच करके बहुत अधिक धन उठा लिया। ग्रहम आगत्य सातर्षिता या शाम उद्घाटयती। घर आकर जब उसने उस मंजुषा को देखा, तावस्त्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोकयत। तो उसने दिखाई दिया कि वह मंजुषा जो है वह बड़े काले सांप में बदल गई है, क्योंकि वह लालची थी। स्वाभाविक है, उसने वह मंजुषा उठाने के लिए मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं किया, किसी
स्यूत यानी बैग में या किसी कपड़े में उसने अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहा, और जब घर आकर उसने उस मंजूषा को खोला तो देखा वहाँ एक भीषण काला सर्प है। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्य, और उसके पश्चात वह उसने लालच करना छोड़ दिया। यहाँ यह बिल्कुल भी वर्णन नहीं है कि सर्प ने लड़की को काटा है, सिर्फ यह एक डर था कि लालच यदि करते हैं तो लालच का परिणाम इतना भयानक होता है। तो यह द्वितीय पाठ यहाँ समाप्त होता है, और द्वितीय पाठ की अभ्यास, द्वितीय पाठ का अभ्यास अर्थात प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न निर्माण या अभ्यास कार्य आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। शब्दार्थ आप पढ़ोगे और प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न निर्माण, इन दो प्रश्नों को आप उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। अतिरिक्त अभ्यास कार्य जो है उसे अपनी पाठ्य पुस्तक में ही, अर्थात आपकी रुचिरा संस्कृत, अपनी शेमुशी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में ही कंप्लीट करना है। धन्यवाद मित्रों।